आप लोग, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारी इस क्लास में। हम बात करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग के ऊपर। तो एक्सेल तो आप लोग मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन एडवांस एक्सेल क्या है पहले इसके बारे में आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ताकि आप लोगों का अगले 1 महीने जो हमारी क्लासेज है, 20 क्लासेज जो है, इस 20 क्लासेज में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर हम सीखने क्या वाले हैं। देखिए, नॉर्मल एक्सेल तो आप यूज करते ही हैं। एडवांस का मतलब होता है कि एडवांस का मतलब यानी कि अलग फीचर है। फीचर वही है, बस उसको एडवांस तरीके से यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमने यहाँ पे 20 लिखा है और यहाँ पे 30 लिखा है। आप 20 को कॉपी करते हो, इसके ऊपर पेस्ट करते हो, तो 20 30 को रिप्लेस कर देता है। लेकिन इसी में पेस्ट स्पेशल जब आप करते हैं, पेस्ट स्पेशल करते हैं, तो पेस्ट स्पेशल में आपके पास एक ऑप्शन होता है ऑपरेशन का। कुछ लोग यूज करते होंगे, कुछ लोगों को पता नहीं होगा कैसे यूज करना है। तो ऑपरेशन में आप आते हैं, तो ऑपरेशन में आपको यहां पे मिलता है कैलकुलेशन। जैसे कि हमने यहां पे ऐड कर दिया, अब क्या होगा कि जहां से कॉपी हो रहा है, जहां पे पेस्ट हो रहा है, उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट पेस्ट हो जाएगा। मतलब कि 20 प्लस 30 इक्वल टू 50, तो 30 पे 50 रिप्लेस हो जाएगा। ये सिंपल एक्सेल है। बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे ट्रेनर आपको यही चीज सिखाएगा, लेकिन हम जैसा वर्किंग प्रोफेशनल सिखाएगा कि भैया इसका यूज क्या करेंगे। हम तो सीख तो लिए, लेकिन इसका यूटिलाइज कहां करेंगे हम, तो वो चीज हम आपको बताते हैं। कभी कभी क्या होता है, अब इसका यूटिलाइजेशन बताता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ नंबर्स टेक्स्ट में आ जाते हैं इस तरह से। अब टेक्स्ट में आने के कारण क्या होता है कि इसके ऊपर सम और बाकी फॉर्मूले अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि एक्सेल इसको एबीसीडी की कैटेगरी में है, तो नंबर, बट इसको एबीसीडी की कैटेगरी में रखता है। इसका कास्ट जो है एबीसीडी कर देता है। अब प्रॉब्लम होता है कि इसको हम चेंज कैसे करें। एक कॉलम होगा तो हम फॉर्मूला वैल्यू का लगा लेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं तो कैसे करें। एक कॉलम होगा तो हम यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम डेटा में जाएंगे और टेक्स्ट टू कॉलम अनफिनिश कर देंगे, लेकिन इतने सारे कैसे करें। तो यहां पे मेथड काम आता है। मेथड ये है कि किसी भी टेक्स्ट में लिखे गए नंबर के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने भी क्या किया, इस मेथड को क्या किया कि इस 0 को कॉपी किया, पूरे को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इस पेस्ट स्पेशल में हमने ऐड 0 कर दिया। अब मान लीजिए जो नंबर्स में 0 ऐड होने पे नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैथमेटिकली कैलकुलेशन होने के कारण सारे के सारे नंबर जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है वो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओ हाँ, मेरी बैड, मेरा बैड। इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, यहाँ हम ऑल सिलेक्ट है, यहाँ पे हम वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हो गया सर। इसको बोलते हैं एडवांस, इसी ट्रिक्स को बोलते हैं एडवांस सेक्शन। ये तो छोटी सी मैंने आपको बताई, आगे क्लासेस में इसी तरह के ट्रिक्स में आपको सिखाएंगे जिससे आप अपना काम को बहुत ही सिंपल कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आपको बेसिक एकदम नहीं जा रहे हैं कि भाई एक्सेल कैसे खुलता है, एक्सेल क्या है, कितने रो है, कितने कॉलम है, ये चीजें मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग काम करते हैं ये चीजें आपको पहले से पता होगा। अगर आप लोगों को जानना है तो मुझे बताइए, मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन इतनी बेसिक चीजें जानने की जरूरत नहीं कि फाइल को कैसे ओपन करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे सेव एज करते हैं, ये मोस्टली लोगों को पता होता है, ऐसा मेरा मानना है। आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही होगा।
तो मैं इसको स्किप करता हूं। तो जो जरूरी की चीजें हैं उस पे हम बढ़ते हैं। सो सबसे जरूरी चीज होती है एक्सेल में, वो होती है सिलेक्शन, कि हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा। क्योंकि जब तक आप डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक डेटा के ऊपर आप किसी भी तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। आपको पिवट टेबल लगानी है, आपको फिल्टर लगाना है, आपको कॉपी करना है, आपको पेस्ट करना है, एनीथिंग नीड टू सिलेक्शन। तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन में क्या है, आप बोलेंगे कि माउस से पकड़ के सिलेक्ट कर ले, तो यही सिलेक्शन में जो ट्रिक्स है हम आपको अभी इसी से क्लास की शुरुआत करता हूं। तो आपको यहां दिख रहा होगा कि सिलेक्शन नॉर्मली आप माउस से सिलेक्ट कर लेते हैं कि आप क्लिक करते हैं, होल्ड रखते हुए नीचे की तरफ जाते हैं और डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप ऐसा करते ही हैं तो क्लिक, आप पहले स्टार्टिंग पे क्लिक करें अपने कीबोर्ड का शिफ्ट की, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कीबोर्ड का शिफ्ट की प्रेस करें और सबसे लास्ट में क्लिक करें, तो आपको क्लिक करते हुए आने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि डेटा आपका बड़ा हो सकता है तो माउस को नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो काफी टाइम वेस्ट हो सकता है। अगर आप इस तरह से सिलेक्ट करते आए तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो उससे अच्छा है कि पहले आप इसको क्लिक करें और सबसे स्क्रॉल करके नीचे आए, शिफ्ट की को प्रेस करें और लास्ट वाले पे सिलेक्ट कर लें, तो आपका पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब कीबोर्ड से सिलेक्शन कर रहे हैं, तो कीबोर्ड सिलेक्शन में बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि नॉर्मल जैसे आप लोग सिलेक्ट करते हैं कि शिफ्ट की प्रेस किया और कर्सर को मूव करते हैं, एरो की को, एरो की जो होता है आपका होता है उस एरो को ऊपर नीचे मूव करते हैं, सिलेक्शन होता है। लेकिन आपको ऑटो सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करें, जी हाँ कंट्रोल ए, ए फॉर ऑल, कंट्रोल ए होते ही आपका डेटा सिलेक्ट हो जाता है। तो कंट्रोल ए आपने प्रेस तो कर दिया, लेकिन इस चीज को जानिए कि कंट्रोल ए जो है आखिर ट्रिगर किसको करता है। तो कंट्रोल ए जो है ट्रिगर करता है आपके होम मेनू बार में ही होता है, फाइंड एंड सिलेक्ट, इसके अंदर गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल में यहां आता है करेंट रीजन, करेंट रीजन को ट्रिगर करता है। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आपके डेटा में अगर पूरी की पूरी रो ब्लैंक है, आप उस समय कंट्रोल ए करते हैं तो आपका नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं पूरी की पूरी रो, अगर बीच में कोई एक रो है डेटा है किसी एक सेल में, देन पूरी डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप एक कॉलम की बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस करता हूं, एक कॉलम है तो आपका कॉलम भी पूरी की पूरी ब्लैंक है तो उस कॉलम से आगे की सिलेक्शन नहीं होगा। तो डेटा में सिलेक्ट करते समय, क्योंकि सिलेक्शन के बाद ही बाकी चीज अप्लाई होती है, इसका ध्यान आप रखेंगे। उसके बाद इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी होती है, यहां पे हम छोटा करता हूं, यहां पे जो है कुछ ऐसे फालतू के कॉलम में ऐसे डेटा लिखा हुआ है लेकिन कंटिन्यूअस है, जब आप कंट्रोल ए करेंगे तो आपका ए भी सिलेक्ट हो जाता है। इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के बारे में भी हम दो मिनट में बात करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं कर्सर को मूव करने का। जैसे कर्सर मैंने A1 पे रखा हुआ है, मुझे सबसे लास्ट में कर्सर को यहां लाना है, सबसे लास्ट में, तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करेंगे। जैसे ही डाउन एरो की प्रेस करेंगे हमारा कर्सर नीचे की तरफ आ जाएगा, जी हाँ डाउन एरो की, ऐसे लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में, अप करेंगे तो अप में, राइट करेंगे तो राइट में, इस तरह से कर्सर आपका मूव होता है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है कि अगर बीच में कहीं ब्लैंक हुआ तब क्या होगा, तब कंट्रोल प्रेस करेंगे और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो कर्सर आपका यहीं पे रुक जाएगा। लेकिन जब बहुत बड़ा डेटा होता है तो हमें सबसे लास्ट में जाना होता है, डेटा को एंटर करना है कुछ भी करने के लिए सबसे लास्ट में जाना होता है, जैसे मैंने बहुत बड़ा डेटा बना देता हूं, लास्ट में जाना पड़ता है, तब क्या करेंगे, क्योंकि तब मैं इस तरह से जाऊं या पेज ब्रेक करके जाऊं तो काफी टाइम लगने लगेगा, अगर आपके पास अगर 1.5 लाख का डेटा है तो आप क्या करें कि यहां पे कर्सर रखें, यहां पे ये जो आपको ये दिख रहा है नेम बॉक्स एक ही ऊपर होता है, उसमें आप ये 65,000 या 10 लाख या जो भी डालना है, एक बड़ा अमाउंट जितना आपको ऐसा लगे कि इतना डेटा नहीं होगा उतना अमाउंट यहाँ पे डालिए, एंटर प्रेस करके उस लोकेशन में आ जाइए। उसके बाद कंट्रोल के साथ अप एरो की को यूज करेंगे तो सबसे लास्ट में आपका कर्सर पहुंच जाएगा।
उसी तरह से आप मान लीजिए आप कंट्रोल के साथ राइट या डाउन एरो करते हैं तो आपका इस तरह से कर्सर मूव होता है, सिलेक्शन में लेके जाना है तो कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट को यूज करें तो आप राइट राइट एरो में एंड डाउन एरो इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। जी हाँ, राइट एरो एंड डाउन एरो, आपका डेटा सिलेक्शन हो जाएगा। बट वही है कि बीच में ब्लैंक हुआ तो सिलेक्शन रुक जाएगा। बात करते हैं मल्टी सेल सिलेक्शन की, मतलब कि मुझे पूरा डेटा नहीं कुछ कुछ डेटा सिलेक्ट करना है, तो हम कंट्रोल को होल्ड रखते हुए, कंट्रोल की को होल्ड रखते हुए हम जहां भी क्लिक करेंगे हमारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, जस्ट कंट्रोल की को हम होल्ड रखेंगे। बट इस पे आप फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो ठीक है, आप इसको कॉपी करना, कॉपी नहीं होगा, कॉपी करना चाहते हो तो सिक्वेंसली सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि हमने ए को सिलेक्ट किया, सी को किया, ई को किया और जी को किया। अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ और पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन वही मैंने मान लीजिए मैंने ए फोर को कर लिया सी, तो अब मैं मुझे कॉपी करने के लिए मुझे सी फोर को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ई फोर को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड जी फोर को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके कॉपी होगी। अब यहाँ अब इसको सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमने ए से फाइव कर लिया तो कॉपी हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मुझे D से D5 करना है तो कॉपी हो जाएगा। अब मैंने सिर्फ F कर दिया तो कॉपी नहीं होगा, मुझे कंट्रोल प्रेस करते हुए F के भी डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरा फाइव तक, देन कॉपी होगा। तो मल्टी सेल सिलेक्ट करके कॉपी करने के लिए ये रूल है, याद रखिएगा हमेशा। और एक चीज और है, आप अगर कॉपी करते हो तो आपकी कॉपी क्या है कि अनसिक्वेंस है, बीच बीच में बहुत जगह कॉलम छोड़ा हुआ है, लेकिन जब आप पेस्ट करोगे तो पूरा सीक्वेंस भी आपका डेटा पेस्ट होता है। उसी तरह से आपका अगर किसी सीट पे करना चाहते हैं तो सीट को भी मल्टीपल सिलेक्ट किया जा सकता है। मैंने क्या किया, यहां पे कई सारे शीट्स इंसर्ट कर दिए, एक नई फाइल मैंने ले ली है। अब यहां पे जैसे कि देखिए बहुत सारे शीट्स हैं आपके, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन शीट्स के अंदर कुछ लिखना है। जैसे मान लीजिए मुझे डेट लिखना है, हमने यहाँ पे डेट दिया और आज का डेट डाल दिया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, मुझे सब शीट में चाहिए, तो वन बाय वन कॉपी करने के बजाय आप शिफ्ट की को प्रेस करें और सबसे लास्ट वाले शीट पे क्लिक कर दें तो आपकी सारी शीट सिलेक्ट हो जाएगी और ऊपर आपका देखिए यहाँ पे बुक टू और यहाँ ग्रुप आ गया। अब मैं यहाँ कहीं भी पेस्ट करूँगा तो हर एक सीट के ऊपर वर्क करेगा। अब मान लीजिए आपको ये पता है आपको कि मुझे हर सीट पे टाइप करना है, तो आप मतलब कि कॉपी पेस्ट क्यों करेंगे, आप टाइप करने से पहले ही शिफ्ट की को प्रेस करें और सबसे लास्ट वाले सीट को सिलेक्ट कर लें। अब यहां पे आप जो भी टाइप करेंगे आपका हर एक सीट पे टाइप होगा, एवरी सीट, लेकिन सेम लोकेशन, लोकेशन चेंज नहीं होगा, लोकेशन सारा सेम ही रहेगा। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, रिपीट करवाना हो तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हैं, मैं टॉपिक रिपीट कर दूंगा। अभी आपने एक ट्रिक बताई थी कि अगर कंट्रोल ए से हमें शिफ्ट करना सेलेक्ट करना है डेटा और उसमें बीच में कोई ब्लैंक है तो पूरा डेटा कैसे सेलेक्ट करेंगे एक रो, तो वो जरा एक बार फिर से बताइए। हमने बताया आपको कि कंट्रोल ए जब सेलेक्ट करते हैं तो पूरा डेटा सेलेक्ट होता है, राइट, लेकिन अगर आपका डेटा बीच में ब्लैंक है देन कंट्रोल ए करेंगे तो आपका पूरा डेटा सेलेक्ट, हां ये पता है, हां समझ गए ना। देन उसमें आपको कोई और मेथड अपनाना, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में क्लिक कर लिया, सबसे लास्ट में गए और शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर दीजिए, आपका पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी हम लोग फिल्टर या पिवट ऐसे ऑप्शन अप्लाई करते हैं और हम देखते नहीं कि डेटा में हमारा ब्लैंक है, और डेटा में हमारा ब्लैंक होता है जिस कारण से हमारा जो पिवट है या जो है उस ब्लैंक कॉलम से ऊपर ही अप्लाई होता है, नीचे अप्लाई नहीं होता। तो आप जब कंट्रोल ए करते हैं तो इस चीज का ध्यान रख ले कि मेरा डेटा में कोई ब्लैंक है नहीं, और ब्लैंक चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि आप ऊपर वाले कर्सर पे कॉलम रखें और कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करें, कर्सर अगर बीच में कहीं रुक रहा है मतलब उसके नीचे ब्लैंक है।
कर्सर सबसे लास्ट में गया मतलब कि कोई ब्लैंक नहीं, सिंपल सा चेक करना है। और ब्लैंक का मतलब है कि पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम, बीच में अगर एक आध वर्ड लिखा हुआ है तो कंट्रोल ए पूरा को कंसीडर कर लेता है क्योंकि करेंट रीजन लेता है। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़िए सर। एक्सक्यूज मी सर, हेलो हेलो सर, ये लास्ट वाला जो आपने फर्स्ट शीट और शीटों में जैसे हमने फर्स्ट शीट में टाइप किया है वो सारी शीट में आ जाए उसको रिपीट कर दीजिए सर स्लोली थोड़ा सा। सिंपल सा, आप जो है इसको सिलेक्ट, आपने नंबर ऑफ शीट्स इंसर्ट है, आपको क्या करना है पहले शीट पे सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ लास्ट वाले शीट को क्लिक कर देना है, सारा शीट आपका हाईलाइट हो जाएगा, ऊपर में ग्रुप हो जाएगा। अब मैं कुछ भी करूंगा तो मेरे हर एक सीट पे मूवमेंट होगा। जैसे मैंने टाइम लिखा, टाइम दिया, टाइम की फॉर्मेटिंग की हमने, तो एवरी शीट पे A3 एंड B3 पे सेम लोकेशन पे एवरी सीट पे होगा। ओके okay? क्या इसमें अगर हम मर्ज कॉलम करेंगे तो क्या मर्ज सेल करने पे भी वो सभी पे मर्ज हो जाएगा? हाँ जी जरूर। ठीक है। देखिए जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना, जो फीचर अप्लाई होने वाला है वही एक्टिवेट होगा। जो फीचर अप्लाई जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल, सॉर्टिंग, ये देख ले सर डिसहाइलाइटेड हो गया, पेस्ट हाइलाइटेड नहीं ना है, क्यों? क्योंकि ये फीचर अप्लाई नहीं होगा। जो फीचर अप्लाई नहीं होगा वो अपने आप जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, जो एक्टिव है वो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सपोर्ट पे। अब जैसे आप हमारी क्लासेस को ले रहे हैं, ठीक है आपने लिया प्रैक्टिस किया, लेकिन मैं इतने सारे चीजें बताऊंगा कि सारी चीजें आपको याद रखना थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन कभी जरूरत पड़ जाती है तो आप कैसे सपोर्ट लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में मैंने आपको समझाया, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने जान लिया बट आप लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं किए, भूल गए, लेकिन अगर आपको तुरंत जरूरत पड़ गई थोड़ी सी अगर कोई हिंट दे दें या थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दे तो आप उसको याद कर लेंगे, मतलब कि मेमोराइज कर लेंगे। तो वो कहाँ से मिलेगा हिंट? हालांकि आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप मुझे कभी भी कॉल करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मैं भी ह्यूमन हूँ, कभी कभी आपके फ़ोन पर अवेलेबल नहीं रह सकता हूँ। तो उस केस में आप जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व एक्सेल से कर सकते हैं। आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में जैसे ही कर्सर रखेंगे यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स आएगा, इससे समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे तो यहां एक्सेल हेल्प खुल के आ जाएगा। अब एक्सेल हेल्प में दी गई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अलग अलग एंगल से, यहां समझाया हुआ है। ओके अलग अलग एंगल से यहां आपको समझाया हुआ है। और भी कुछ सर्च करना चाहते, जैसे मैं जानना चाहता हूं लिमिटेशन कि टोटल लिमिट्स कितना है एक्सेल की, तो मैं यहां लिमिट्स को सर्च करता हूं। यहां देखिए एक्सेल स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स आपको यहां दिख रहा है, यहां पे फीचर और इसकी मैक्सिमम लिमिट। अब इसको संस्कृत की श्लोक की तरह रटना नहीं है बट एक बार कैजुअली आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है। अब यहां हम लिमिट के बाद आगे बढ़ते हैं कि मुझे शॉर्टकट्स पता करना है। शॉर्टकट सर्च कीजिए, यहां आपको आ जाएगा कीवर्ड शॉर्टकट इन ऑफिस एंड कीवर्ड शॉर्टकट इन द एक्सेल। तो एक्सेल में यूज होने वाले जितने भी शॉर्टकट्स हैं सारे शॉर्टकट्स का लिस्ट आपको यहां दिख जाएगा, अप्लाई कर सकते हैं।
अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें इस सब की इंफॉर्मेशन हम लोग गूगल कर लेते हैं, बट क्या है सर कि गूगल पे दी गई इंफॉर्मेशन वो 100% करेक्ट नहीं होती है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि वहां पे हम जैसे आप जैसे लोग आर्टिकल्स और वेबसाइट के माध्यम से रखते हो, 100% प्रूफ रीड नहीं होता है। तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई गलत इंफॉर्मेशन मिल जाए। ऐसे भी आप सर्च करेंगे तो आपको जो है मैंने कहा 8 में से 10 में से 5-6 आपको गलत इंफॉर्मेशन ही मिलेगी, लेकिन एक्सेल पे आपको हर इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो शॉर्टकट हम इसके आगे क्लासेस में बहुत कम यूज करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग शॉर्टकट के पीछे पड़े रहते हैं कि शॉर्टकट क्या है। तो मैंने सभी को पहले बता दिया कि शॉर्टकट आप कैसे निकालेंगे। शॉर्टकट निकालने का तरीका हमने आपको समझा दिया कि आप एक्सेल हेल्प में जाए और शॉर्टकट को सर्च कर लें, सारा शॉर्टकट लिस्ट मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट को आप रट्टा मार जाएंगे तो आ जाएगा, नहीं, इसको यूज टू होना होगा। शॉर्टकट यूज क्यों करेंगे ये पहले जान लेते हैं। आप काम माउस कर्सर से भी कर सकते हैं, बट कीबोर्ड और माउस से काम करते हैं तो आपका इफेक्ट ज्यादा होता है, मतलब कि स्पीड ज्यादा होता है, 30% की स्पीड बढ़ जाता है माउस के अपेक्षा कीबोर्ड का, और एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। तो यहां से शॉर्टकट आप लिस्ट पूरा ले सकते हैं। मैं क्लास में शॉर्टकट यूज नहीं करता क्योंकि मेरी कीबोर्ड का पिक्चर आपके पास नहीं होता है, मैंने कौन सा की प्रेस किया आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं मोस्टली काम कीबोर्ड से करता हूं, सॉरी माउस पॉइंटर से करता हूं, ताकि मैं किस ऑप्शन को अप्लाई कर रहा हूं आप उसको देख सके। सुजीत मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जो आप अभी एक्सेल का वर्जन यूज कर रहे हैं, ये ऑफिस 365 का वर्जन यूज कर रहे हैं जी, इसमें जो फीचर्स हैं वो आप हमें दिखा रहे हैं हेल्प सेक्शंस पे, लेकिन जो हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं ये सब लोग एडवांस एक्सेल तो कर रहे होंगे, लेकिन शायद ये लोग एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं। अभी जो मैं, तो भी आप एक बार बताते जाइएगा कि ये वर्जन आपको जो सर्च है ये कहाँ कौन से वर्जन से स्टार्ट हो रही है, कौन से वर्जन पे मिल रही है, जिससे कि बाकी लोग कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज वो क्या होगा कि वो अपने ऑफिस में मैं जैसे ही मेरा लेटेस्ट वर्जन यूज करूंगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी जो भी मैं यूज किया हुआ है वो हर एक में यूज होता है, जैसे नया कुछ नई ऑप्शन आएगी मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा कि नया है ये आपको लेटेस्ट में मिलेगा, समझ गए। तो मैं मोस्टली जो यूज करूंगा वही चीज यूज करूंगा कि सारे वर्जन में अवेलेबल है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो कि बताना जरूरी है लेटेस्ट वर्जन का, वो आपको बता दें, इसलिए मैं बता दूंगा कि हाँ ये लेटेस्ट वर्जन का है, ठीक है। तो अभी जो मैंने यूज किया है, जो भी यूज चीजें बताई है, हेल्प हो, लिमिटेशंस हो, वो आपके हर एक सिस्टम में मिलेगा। अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस करें एक्सेल हेल्प आएगा। हाँ, इसमें यह हो सकती है कि 2007 यूज कर रहे हैं तो आपके पास ऑफिस का ये होगा ऑफलाइन होगा, और 2010, 13, 16, 19 जो है उसमें ऑफिस का हेल्प ऑनलाइन है, मतलब कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए होगा जब आप यूज करेंगे। आपको बस एक मिनट के लिए रुकूंगा, मैं बाकी सभी पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट इसमें हैं डिपार्टमेंट में से जो लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग जब भी ये जब इस क्लास को करते समय जब भी सुजीत कोई बात बताते हैं तो ये प्लीज अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखें और उससे जुड़े सवाल पूछें, क्योंकि ये जितनी भी एक्सेल की ट्रिक्स ये बता रहे हैं, ये एक्सेल की सारी ट्रिक्स आपको सीखनी नहीं है, शायद सारी ट्रिक्स की जरूरत ना पड़े, लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो वर्क होता है, जिसमें ज्यादातर कंपाइलेशन का वर्क है, जिसमें ज्यादातर पाइवट टेबल का वर्क है, जिसमें आपको समरी डेटा की निकालनी होती है, ज्यादातर जिसमें वी लुकअप, एक्स लुकअप और ये फीचर्स लगेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगेगी, तो ये सारे फीचर्स को आप ध्यान में रखिए। आप अपनी अपने लिए आपके लिए क्या यूज है, आप किस प्रॉब्लम में फंसते हैं एक्सेल यूज करते समय, वो ध्यान में रखिए और उसी तरीके से सवाल पूछिए, जिससे कि आप इस ट्रेनिंग का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। हाँ, मैं श्याम जी, मैंने इन लोगों को पहले ही स्टार्टिंग बता दिया था कि हमारी आधे घंटे 40 मिनट की सेशन जो लास्ट में होगी वो क्वेश्चन सेशन होगा। हम
क्लास को 2 घंटे क्लास को 3 भागों में बांट दिया है, 1.5 घंटे की क्लासेज होगी और उसके बाद आधे घंटे से 40 मिनट जितना हो सके उतने टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, अब हम फाइल मेनू बार पे आते हैं। फाइल मेनू बार अगर आप यूज करते हैं तो इसमें कुछ सीखने लायक तो नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जैसे कि टेम्पलेट। जब आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट्स आते हैं बने बने। अब इसका यूज क्या है, इसमें दो चीजें हैं। लर्नर है आप तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह की डिजाइन और किस तरह की रिपोर्ट और डेटा वगैरह बनाया जाए, लेकिन कभी कभी आपको ये सपोर्ट भी देता है। जैसे मान लीजिए कि आपके बॉस ने आपको बोला कि मुझे एक इनवॉइस का फॉर्मेट बना के दो। अब दो चीजें हैं, इनवॉइस का फॉर्मेट कभी आपने बनाया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, या फिर आपने बनाया है बट आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी डिजाइन कर सके, तो आप न्यू पे जाए और यहां सर्च है। सर्च में मैंने यहां पे बिल इनवॉइस जो भी कैटेगरी है कीवर्ड है उस कीवर्ड को सर्च करेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट आपको यहां आ जाएगा। अब आपको जो लगता है कि हाँ मेरे रिक्वायरमेंट को फिट बैठ रहा है, जैसे ये फिट बैठ रहा, क्लिक कीजिए एंड क्रिएट कर दीजिए। जैसे इसको क्रिएट करेंगे यहां पे पूरा सेटअप आ जाएगा, बस अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज करना है और आपका फॉर्मेट पूरी तरह से बना बनाया जाएगा। ये सीन एसी में नहीं होता, इसमें और भी जैसे फीचर्स हैं, जैसे ब्लैंक शीट हो गया और कैलेंडर वगैरह हो गया, वो चीजें भी आप ले सकते हैं। अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे ये देखिए यहाँ पे कैलेंडर है, यहाँ एक कैलेंडर देख सकते हैं, एक कैलेंडर वगैरह है, तो ये चीजें भी ले सकते हैं। ये तो हो गए बनी बनाई ऑप्शंस, लेकिन अगर आपको टेम्पलेट बनाना हो तो क्या करेंगे। असल में सबसे पहले जानते हैं कि टेम्पलेट की जरूरत क्या पड़ती है। आप लोग जब डेली रिपोर्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, आप लोग रिपोर्ट को सबसे पहले प्रीवियस रिपोर्ट जो आपका होता है उस प्रीवियस रिपोर्ट को पहले आप ओपन करते हैं, उसको सेव एज करते हैं और फिर उसमें जो कल की जो डिटेल्स थी उसको डिलीट करके नया डिटेल डालते हैं। ये मोस्टली लोग यही करते हैं, मैं भी अपने ऑफिस आवर में यही करता था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जैसे मान लीजिए कि आज कोई इन्फॉर्मेशन मैंने हटा दी, आज मुझे मान लीजिए कि बॉस नंबर 2 को भेजना है, बॉस नंबर 2 को एक इन्फॉर्मेशन नहीं भेजनी है, हमने उसको डिलीट कर दिया। अब ये बात कल मुझे याद रहेगी तो मैं उसको ऐड करूंगा, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन डिलीट होते ही सबके पास चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टेम्पलेट कैसे बनाया जाए, ये चीजें हम आपको 5 मिनट के ब्रेक के बाद बताएंगे। अभी हमारा 40 मिनट हो चुका है तो 5 मिनट का हम ब्रेक रखते हैं, 5 मिनट बाद आप लोग इसी चीज को हम सीखेंगे और सेम आईडी से आप लोग लॉग इन हो जाइए। तब तक जो लोग मोबाइल फोन से लॉगिन है वो पीसी से लॉगिन हो सके तो पीसी से लॉगिन कर लीजिएगा। तो 5 मिनट में हम लोग वापस आते हैं, तब तक जो चीजें मैंने बताई है उसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह भी करना चाहे तो कर सकते हैं।